बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम एक नया कानून ला रहे वजीर आजम के बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर, हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना, आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे, डालेंगे ना। और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून यह भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते, गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते, ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते, 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मेरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दद्दा है उसको मालूम, फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम, मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम, मगर मोदी जी बोले शादी 21 नहीं करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन यानी आपका जो सेलफोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का अख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते, बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते। मोदी जी आप अंकल कब से बन गए हम लोगों के? आप देखते होंगे कि किसी महल में अंकल होता है, अंकल का काम कुछ नहीं होता, बैठे रहते खाली बेटा मारे जाए पत्ता मारे, अंकल बोलते वहां क्यों जा रहे तुम, अंकल हर चीज पूछते क्या खाए क्या पहना, आज इतनी रात देर से क्यों आए। अभी अंकल कह रहे कि शादी भी कब करना, क्या खाना तो शुरू हो चुका है, ये नहीं खाएंगे वो खाना चाहिए, ये इबादत करना चाहिए वो इबादत नहीं करना चाहिए। अब ये पूरे बीजेपी के लोग अब शुरू हो जाएंगे टीवी पर 6 बजे से देखना आप, हमारा बड़का भाषण अब हो गया, अब बोलेंगे ओवैसी महिलाओं के औरतों पर जुल्म करता है। अरे पहले ये तो बताओ, पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती, जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं पूरे देश के नौजवानों का मसला है। हर मेरा मानना यह है कि 18 साल का नौजवान चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें, वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है इस तरह से आप काम करो फायदा होगा, हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। अच्छा मोदी जी आपकी सरकार ने इन लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए क्या किया आपने,
तो बीजेपी वाले बोलेंगे मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या था? पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि 446 करोड़ इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को दिया गया, जिसमें से माशाल्लाह नरेंद्र मोदी की सरकार ने मोदी की तस्वीर का ऐड देने के लिए 80% पैसे खाली मोदी की तस्वीर में खर्च किए कि मोदी जी का ऐसा पोज, कभी इसका हाथ रख रहे हैं कभी वहां हाथ रख रहे हैं। यानी 446 करोड़ में मीडिया को इश्तिहार 79% चला गया। अच्छा फिर ये बोलेंगे नहीं ओवैसी महिलाओं के खिलाफ है। मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं, अगर हमारे घर का हाल आपको मालूम होता तो आप ये बात नहीं करते। हम यहां पर भड़काऊ भाषण दे सकते, घर में गए तो गूंगे हो जाते हैं अपने साहब उनके सामने।